नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, हमने केंद्रीय कैबिनेट में कोई पद नहीं मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन में कोई फूट नहीं है, महाराष्ट्र में एक दो दिनों में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग बुलाई गई है। इस दौरान अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। पटेल ने कहा कि इसी हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मीटिंग में पोर्टफोलियो के बंटवारे पर फैसला हो गया है, इसमें कुछ दिक्कतें तो आएंगी। फिलहाल सभी पोर्टफोलियो भाजपा और शिंदे की शिवसेना के बीच बांटे हुए हैं। एनसीपी के मंत्रियों को विभाग देने के लिए इन दोनों पार्टियों को कुछ मंत्रालय छोड़ने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने के 4-5 दिनों तक हमने पोर्टफोलियो का मुद्दा नहीं उठाया था। कुछ ही दिन पहले हमने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद हमने 3 मीटिंग की। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।